हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकर्ण जय इलेक्ट्रिकल रेलवे डीएफसी साइल। तो बहुत से क्वेरी आ रहा है कि डीएफसी साइल में एग्ज़ाम कब है, सीबीटी वन के एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारा भाई पूछ रहे हैं एग्ज़ाम कब होगा इसका। तो डीएफसी साइल ने नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर रखा है कि जिसमें एग्ज़ाम जो है वो आपका सीबीटी वन का वो लास्ट वीक में लिया जाएगा, जो यहाँ पे लास्ट वीक है अगस्त का, उस लास्ट वीक में लिया जाएगा, जो नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर रहें, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम जो है वो आपका 100% ले लिया जाएगा, उसमें एग्ज़ाम लिया ही जाएगा, जो इसमें आपका मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में वो एग्ज़ाम उसी टाइम में हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें एग्ज़ाम सिटी के बारे में, तो 10 दिन पहले आपका एग्ज़ाम सिटी आ जाएगा कि कहाँ आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम सिटी 10 दिन पहले आ जाएगा, और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो कि एग्ज़ाम देने के लिए आपको उसमें होगा कि कहाँ पर आपका सेंटर है, वो आपका एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप 100% प्रिपेयर रहें कि आपका एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक में होना ही है और एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। कोई भी डेट ये नहीं कि 2 महीना बाद होगा या 1 महीना बाद होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको जो दिया गया है उसी डेट पर होगा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो प्रिपेयर रहें और अच्छे से आप तैयारी कर ही रहे होंगे CBT 1 का, और प्रैक्टिस आप कर लें जो लास्ट वीक, जब अभी तो अगस्त का लास्ट वीक दिया गया है तो अभी आ रहा है, आप 20 दिन पहले 15 दिन पहले प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, जिससे आपका और भी अच्छा तैयारी हो जाएगा। मैंने प्रैक्टिस का बुक बता दिया है, CBT 1 में एक यूथ कंपटीशन का आया है, जो बहुत से भाई कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम में बताइए, तो वो बुक जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप सर्च कीजिएगा फ्लिपकार्ट पे डीएफसी साइल बुक यूथ कंपटीशन टाइम, तो आपका आ जाएगा, उसमें सारा बुक आ जाएगा, वो आप ले लीजिए। उसके बाद OPBT के लिए भी बुक है, वो भी ले सकते हैं, जो उसमें सेट दिया गया है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, तो वो आप ले लीजिए। उसमें उसके जो यूथ कंपटीशन का बुक है उसका जो दिया रहता है, उसमें आपका जो उसका सॉल्यूशन दिया रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, उससे आपका कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अच्छे से उसको पढ़िएगा। तो बहुत सारा उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे आपका जैसे रेलवे डीएफसी का हिस्ट्री, ये सारा चीज़ आपका जो हो जाएगा वो अच्छा हो जाएगा। तो ये जो बुक है OPBT का, अगर आपको डीएफसी का हिस्ट्री ये सब अगर अच्छा करना है, रेलवे और डीएफसी का हिस्ट्री, तो आप जो ले सकते हैं बुक, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो CBT 1 के लिए जो 10 नंबर का पूछा जाएगा, वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि OPBT में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सारा डीएफसी का, उसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था जो CBT 2 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था पहली बार में ही, तो उसमें पूछा गया था, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है तो वो भी बुक आप ले सकते हैं, ज़्यादा पैसा का बुक नहीं है, आप देखिएगा फ्लिपकार्ट में तो मिल जाएगा वहाँ पे आपको, तो सभी डिपार्टमेंट उसमें ले सकते हैं। अगर आपको डीएफसीएल का हिस्ट्री प्रिपेयर करना है, तो रेलवे का और डीएफसीएल का हिस्ट्री प्रिपेयर करना है, तो वो बुक आप ले लीजिए OPBT वाला, और उसे आप डीएफसीएल का हिस्ट्री ये सब पढ़ सकते हैं। बाकी और भी साइंस ये सब आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं, मैथ ये सब जो भी है, तो आपको प्रीवियस ईयर भी उसमें दिया हुआ है और सेट भी दिया हुआ है, तो उसे बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, वो ले लीजिए। बाकी इलेक्ट्रिकल के लिए भी बुक आया है प्रैक्टिस सेट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, तो वो ले लीजिए आप, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए है, वो आप ले सकते हैं। तो ये सब बुक है, वो आप ले लीजिए, और एग्ज़ाम आपका अगस्त में होना ही है, तो हो जाएगा एग्ज़ाम अगस्त में, उसके लिए प्रिपेयर रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। CBT 2 का भी तैयारी करते रहिए, जिससे एग्ज़ाम होगा तो उस तक आपका अच्छा से कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम अच्छा से आपका हो जाएगा उसके लिए। तो यही था वीडियो में, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।